हंसराज हंस की एक बार फिर से पाला बदलने पर पंजाब में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी का कहना है कि हंसराज हंस पार्टी में किसी शर्त के साथ आए हैं और कांग्रेस इसे बिना फायदे वाला सौदा बता रही है। हंसराज हंस ने एक बार फिर से पाला बदल लिया है। हंसराज हंस ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का कमल थाम लिया है। कुनबा बढ़ने से गदगद पंजाब बीजेपी कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर हंसराज हंस बीजेपी में बिना शर्त आए हैं। उन्होंने अपनी कोई डिमांड नहीं रखी। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी इस प्राप्तियां और कार्यशैली देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पंजाब उन्हां दी कार्यशैली नूं देखदे होए उन्होंने इच्छा जाहिर कीती सी कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी है। बीजेपी भले ही खुशी जाहिर कर रही हो लेकिन कांग्रेस हंसराज हंस पर बिफर रही है। साथ ही बीजेपी को नसीहत भी दे रही है कि उसे इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। जो बीजेपी ज्वाइन कर गए उस तो पहले उन्होंने अकाली दल ज्वाइन कर लिया सी, फिर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया सी, हुण उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, कोई अचंभे की गल थोड़ी है। हुण अगली वो आम आदमी पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं और हो सकता है कि छोटे पर्चे भी जाने की संभावना लोग कह रहे हैं। गौरतलब है कि हंसराज हंस शिरोमणि अकाली दल को छोड़कर सबसे पहले कांग्रेस में गए थे लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अब हंसराज हंस ने कांग्रेस से भी किनारा कर बीजेपी का हाथ थाम लिया है। होशियारपुर से रमन खोसला, जालंधर से राजीव वधवा के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया।